आप इंस्टाग्राम यूजर है या फिर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा आज से कुछ महीनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था इंस्टाग्राम मेटा एआई के बारे में। फिलहाल ये फीचर इंस्टाग्राम ने अपडेट में रिलीज कर दिया गया है एंड इस वीडियो बताने वाला फीचर क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे इसको इनेबल करना है, यूज करना है। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं इस अपडेट के बारे में बात करता हूं तो इसका नाम जो है ना मेटा एआई है। अब यहां पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अब आप जो यहां पे चैटिंग कर पाएंगे इंस्टाग्राम एआई की मदद से या फिर आप कह सकते हो एआई के साथ आपको कुछ भी डिसीजंस लेने या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर किसी भी चीज के बारे में कुछ है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है चैट जीपीटी, हमें पता ही होगा, हम सब यूज कर चुके हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो सिमिलर यहाँ पे हमें एक पर्सनल चैटबॉट देखने को मिलता है, एक तरीके से एआई चैटबॉट देखने को मिलता है जिससे हम जो है बातें कर पाएंगे, कन्वर्सेशन कर पाएंगे या फिर कुछ भी क्वेरीज या फिर कुछ सजेशन ले पाएंगे। अब ध्यान देना कि यहाँ पे इंस्टाग्राम ने इसको फिलहाल सभी यूजर्स के लिए तो रिलीज नहीं करा, लेकिन बहुत सारे इंस्टाग्राम यूजर्स को ये मिल चुका है। तो आप देख पा रहे हैं हमें जो यहाँ पे कहाँ पे देखने मिलेगा, जैसे हम अपनी चैट विंडो में जाएंगे तो ऊपर सर्च बार के साइड में हमें आइकन बनाएगा ब्लू कलर का, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको मेटा एआई चैट बन के आएगा इस तरीके से। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे आप इसमें कमांड भी यूज कर सकते हो स्लैश इमेजिन के साथ। अब इमेजिन में अगर आप करेंगे तो आप जो यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इमेजिन F1 कार इन अ विलेज, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुझे F1 कार मिल चुकी है, यानी फॉर्मूला 1 कार विलेज में। तो ये सब AI जनरेटेड है। साथ साथ अगर मैं लिखता हूँ मैन रनिंग ऑन अ फ्रोजन लेक वेयरिंग अ वुल्फ मास्क, तो यहाँ पे AI ने हमें बना के दे दिया। तो ये सारी चीजें हम जो जो इसको लिख के देंगे, जैसे हम कुछ भी लिंक्स को लिख के देते हैं तो AI की मदद से उसको बना के देगा, कुछ भी फोटो होगी या फिर कुछ भी आर्ट होगा तो हमें मिल जाएगा। अगर आपको कोई सजेशन लेना है, किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है, फिर किसी को भी कुछ भी गिफ्ट देना है, तो आप यहाँ पे इससे सजेशन ले सकते हो किसी भी पर्पज के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो लोग बता ही नहीं रहे वो मैं आप सभी को बताया था, कि आपकी ये जो चैट्स है मेटा AI के साथ वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि जो भी चीजें आप पूछते हो वो आंसर आते हैं, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। इंस्टाग्राम खुद ही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एल्गोरिथम काम करती है, डेटा के ऊपर ही काम करता है पूरा ये, तो कि आपका डेटा कहीं ना कहीं यूज तो होता ही होगा। तो आपको कोई भी पर्सनल चीज या फिर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ध्यान से अगर शेयर करनी है तो करो, वरना मैं तो बोलूंगा मत ही करो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी मेटा AI बहुत अच्छा फीचर है, अगर आप इसको यूज करेंगे अपने प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, तो बहुत ज्यादा काम का आएगा। फिलहाल ये मेरे अकाउंट पे नहीं आया, अब जैसे ही मेरे अकाउंट पे आ जाएगा आप सभी को मैं बता दूंगा कैसे इसको यूज करना है। आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो के सेक्शन में। ऐसा था वीडियो, मैं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूं नई वीडियो तक के लिए, बाय गाइस, जय हिंद।